जाओ कह दो अपने राजा से जाके कि बिचौलिया के संदेश वाहक को मारने का प्रयास करके उन्होंने ठीक नहीं किया। बहुत महंगा पड़ेगा उन्हें। जीराज कुछ कीजिए ना। क्या बाबूजी राज, आपको अपने सम्मान की चिंता नहीं तो कम से कम हमारे सम्मान का तो ध्यान रखते। वीर प्रताप, वीर पुत्र, और इतने देर तक ऐसे ही खड़े रह गए। वो लड़की अपनी तलवार भांजती रही, हमारे साथ शत्रु की तरह बर्ताव करते रहे, और आप बस यूं ही तटस्थ। जाने दिया उस लड़की को क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं वे हमें उस स्थान तक का मार्ग दिखाए जहां असली जड़ है समस्या की चक्रपाणी। हमें बिजोलिया की समस्या में पत्ता और वो लड़की दोनों बहुत महत्वपूर्ण लग रहे हैं। उनके साथ साथ बिजोलिया में प्रवेश करेंगे तभी तो जान पाएंगे कि ऐसा हुआ क्या है कि जो मेवाड़ की एक देशभक्त रियासत थी आज मेवाड़ से विद्रोह करने के लिए इतनी तत्पर क्यों है। पर बाबूजी राज, वो लड़ाकू लड़की हमें घुसने क्यों देगी बिजोलिया? वो तो सोच रहे थे हमने उसके भाई को मारने की कोशिश। पत्ता को यहां से वैद्य जी के पास ले जा। मुझे लगता है कि वो दोनों हमारा पीछा कर रहे हैं। उन्हें बिजोलिया में प्रवेश बिल्कुल मत करने देना। जाओ। बाजीराज, आप जो अश्व खोज रहे हैं ये दोनों वैसे ही है। देखिए ना कितने कम समय में कितनी लंबी दूरी तय कर ली। अच्छा है ना अश्व? नहीं चक्रपाणि। नहीं, हमारी जो एक आदर्श अश्व की परिभाषा है, हम इन दोनों को उस आदर्श अश्व के निकट भी नहीं रख सकते। लगता है आपको जो अश्व चाहिए वो अब तक बने नहीं है बाजीराज। नहीं चक्रपाणि, जैसे हर एक अश्व की नाल होती है वैसे ही ईश्वर ने हर एक योद्धा के लिए अश्व बनाया। हमें पूरा विश्वास है हमें भी हमारे लिए एक नियत अश्व मिल जाए। बाबूजी राज, न जाने क्यों हमें थोड़ा सा विचित्र सा लग रहा है। बिजोलिया हम दोनों का ससुराल है। ऐसे में अच्छा होता कि हम दोनों की रात से स्वागत होता, पूजा थाल तिलक आदि। नहीं चक्रपाणि, अब अपनी बात कीजिए। हमारे लिए बिजोलिया मात्र मेवाड़ की एक रियासत भर है जहां की बिगड़ी स्थितियों को हमें सामान्य बनाना है। बाजीराज, अरे अरे बाजीराज, बाजीराज, अरे अरे ये क्या हो गया?
अरे किया क्या हमने, छोड़िए हमें, हम तो केवल आपके मित्र पत्ता की सहायता कर रहे थे। अच्छा, उस पर तलवार से आक्रमण करके आप उसकी सहायता कर रहे थे? क्या उत्तर दे इस लड़की को? हाँ हाँ, मतलब ठीक कह रहे हो आप, आक्रमण कर रहे थे तलवार से, परंतु हम नहीं, ये कर रहे थे। हम तो चुपचाप खड़े थे, प्रयत्न भी किया इन दोनों को रोकने का। एक पल के लिए हमें लगा था कि कम से कम हमें आपको तो छोड़ ही देना चाहिए, परंतु अपने जीवन को बचाने के लिए आप अपने ही मित्र से निष्ठा नहीं बना रख पा रहे। यदि आपको चिंता है ना हमारे मित्र की, तो स्वयं क्यों नहीं खोल देते इनका जाल? हमें आपके मित्र की कोई चिंता नहीं है, हमें चिंता है तो सिर्फ अपने सिद्धांतों की। और वैसे भी आजकल चित्तौड़ में कोई सिद्धांत या कोई आदर्श नहीं बचा है, सब केवल सिर्फ अपने लिए जी रहे, और आप भी उनमें से एक है। चलिए चलते हैं यहां से, और इन दोनों के अश्वों को भी यहां से ले चलो। अरे ये क्या कर रहे हो आप? अरे अश्व तो छोड़ जाओ हमारे। अरे सुनिए सुनिए, अरे सुनिए, छोड़िए हमें। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे रुकिए ना, अरे सुनो तो। पत्ता? नहीं नहीं खाना, हमें कुछ नहीं खाना। दादा भाई हमसे मिले बिना बिजोलिया क्यों गए? परचान, दादा भाई आपके लिए खिलौने लेकर आएंगे। नहीं चाहिए हमें खिलौने। खरगोश लेकर आएंगे? हमें खरगोश भी नहीं चाहिए। अच्छा तो गुड़िया लेकर आएंगे? नहीं चाहिए हमें गुड़िया। अच्छा, अगर हम कहें कि आपके दादा भाई बिजोलिया से आपके लिए सुंदर सी भाभी लाने वाले, तो हम सच कह रहे हैं छोटी माँ? हाँ, बिजोलिया में तो है आपकी भाभी, अजब थे, इतनी सुंदर, सहज सरल, तेजस्वी, समझदार। बाईजीलाल, ये पत्ता की हालत किसने की? चित्तौड़ वालों ने, आप ही बताइए। अब हम उनके विरुद्ध क्या करें? बाईजीलाल, अब तो चित्तौड़ के लिए आपका सारा भ्रम टूट गया होगा। सैनिकों, सीमा पर और सुरक्षा बढ़ा दो। हम नहीं चाहते कि हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी बिजोलिया में प्रवेश करे। सुनिए, आप सब लोग थोड़ा तो सोच समझ कर सही निर्णय लेने का समय दीजिए। बाजीलाल शीघ्र हमारे हित में कोई उचित निर्णय लेंगी। जैसे आप लोग सदा से रखते आए हैं, वैसे विश्वास रखिए उन पे। चलिए चाहिए अभी। एक बार जब देश महल में आ जाएंगी ना, तो इस महल की सारी खोई हुई खुशियां फिर से वापस लौट आएंगी। अच्छा, यह भोजन करने का स्थान नहीं है चांद, पाकशाला में जाके भोजन कीजिए। जाइए जाइए। क्षमा कीजिए जीजा, वो हमारे मुंह से अजब देखा नाम। क्यों चाहते हैं आप कि राणा जी आपको इस महल से बाहर फेंकवा दें? क्यों भूल जाते हैं आपने जो वचन दिया है हमें? तो यदि आप अपना मुंह बंद रखेंगे, तो हम आपको इस राजमहल में भरपूर सम्मान, सुख सुविधा और राणा जी का भरपूर प्रेम सब दिलवाएंगे। क्या चाहते हैं आप हम राणा जी से कह दें कि आप ही के कारण जीजा हम सबको छोड़कर वृंदावन चली गई? क्या क्या रही थी आप चांद से? इस बार आपको क्षमा कर रहे हैं,
परंतु आपने अजब दे का नाम दोबारा इस महल में लिया। सच कह रहे हैं आपसे वीर भाई जी, महल के किसी अंधेरे कोने में जीवित कर दिया आपको। आपका सुख इस महल में तब तक है जब तक अजब दे इस महल से दूर रहेगी। यदि अजब दे इस महल में आ गई तो आपके सारे सुख गायब, समझ रही है ना आप? हम तो चुप हो जाएंगे जीजा, लेकिन जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। अगर नियति में लिखा है कि वो दोनों मिलकर रहेंगे तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता, और ये बात आप भी अच्छे से जानती हैं। अब नियति हमारी योजनाएं नहीं बदलती है, हमारी योजनाओं से हम नियति को बदलते हैं। यदि ऐसा है जीजा तो आपके चेहरे पर भय की छाया क्यों है? ईश्वर की कृपा से चोट साधारण आई है, औषधि दे दी है, उसी देर में चेतना आ जाएगी। देख लिया जाते अपनी चित्त और निष्ठा का परिणाम। उन्होंने हमारे शांति दूत फत्ता पर आक्रमण नहीं, आपके विश्वास पर आक्रमण किया है जब तक। अभी भी समय चित्तौर से जुड़ी हर आस को भूलकर सच का सामना कीजिए। रानी सर ठीक कह रही है जब तक। बिजोलिया की प्रजा भी अब चित्तौर से संपूर्ण विद्रोह से कम किसी भी बात पर सहमत नहीं होने वाली है। सब लोग मेवाड़ से संपूर्ण स्वतंत्रता चाह रहे हैं। चुप क्यों है? कुछ बोलिए जब तक। क्या बोले हम? हमारा दिल टुकड़ों टुकड़ों में बिखर चुका है। समझ में नहीं आ रहा कि हम इसे कैसे बटोरकर अपनी प्रजा को सही दिशा दिखाएं। एक ही आस पल दे रही थी हमें इतने वर्षों से कि अवश्य हमारी बात चित्तौर तक शायद ना पहुंच पा रही है, और इसीलिए वे उदासीन है बिचौलिया की समस्याओं से। आज तो वो भी टूट गई माँ। चित्तौड़ ने ना ही हमें अपनी बहू को भुला दिया, परंतु बिचौलिया की प्रजा को भी भुला दिया। इतने वर्षों से जो आस हमें बल देता आ रहा था, आज वो आस भी टूट गई माँ। कभी कभी झूठी आस रखने के बजाय सच के साथ जीना अधिक महत्वपूर्ण होता है जीजा। कैसे हो तुम? हम ठीक हैं जीजा, किंतु मैं मेवाड़ के साथ अपने संबंधों को लेकर शीघ्र ही कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब पानी हमारे सर के ऊपर से बह रहा है। क्या हुआ था वहां? क्या राणा जी से भेंट हुई आपकी? हाँ। बंदी बना लो इस राजद्रोही को तुरंत। और फिर किसी तरह हम वहां से अपनी जान बचाकर भागने में सफल हो। सहायता का निवेदन लेकर गए हमारे संदेश वाहक को उन्होंने राजद्रोही कहा? हाँ जीजा। बाबूजी राज, आपको ये तो नहीं लग रहा ना कि हमने आपके साथ कोई छल किया? हम तो ये इसीलिए कर रहे थे ताकि हम छूट जाए और आपको भी छुड़ा सके। बाबूजी राज, यदि आपने हमारी मैत्री निष्ठा पे संदेह किया ना, तो जान दे देंगे हम रस्सी पे लटक के। हाँ मणि चक्रपाणि, हमने आपकी मैत्री निष्ठा पे कोई संदेह नहीं किया। तो फिर चिंता क्यों कर रहे बाबूजी राज? जाल से तो कैसे ना कैसे निकल ही जाएंगे हम। चिंता हमें इस जाल की नहीं हो रही है, चिंता इस बात की हो रही है कि वो लड़की हमसे बोल कैसे रही थी। और वैसे भी आजकल चित्तौड़ में कोई सिद्धांत या कोई आदर्श नहीं बचा है। सब केवल सिर्फ अपने लिए जी रहे,
उसके बोलने से ऐसे लगा कि मानो बिजोलिया पर बहुत गहरे घाव है। उसकी बातों में साधारण विद्रोह के स्वर नहीं थे, बल्कि बिजोलिया के मेवाड़ के प्रति गहरे असंतोष को दर्शा रहे थे, जिसकी थाप आना अब बहुत आवश्यक हो गया चक्रपाणि। पर बावजीराज, किसी भी थाप को जानने के लिए पहले इस जाल से तो निकलना पड़ेगा ना हमें। हाँ, निकलना ही पड़ेगा। वो तो भला हो उस अश्वपाल का, उन्हें भी ये बात अनुचित लगी। बहुत सहायता की उन्होंने हमारी। सहायता की आपकी? आपको जान से मारने का प्रयास करके? नहीं नहीं जीजा, वो हमें जान से नहीं मारना चाहते, वो तो हमें केवल अपनी सैनिक क्षमताएं दिखा रहे थे। बस थोड़ा बहुत प्रशिक्षण हम दे दें उन्हें, फिर हमारे लिए अत्यंत काम के सिद्ध हो सकते हैं वो। पता, हम चाहे आपको जितना भी प्रशिक्षण दे दे, आप मन से हमेशा भोले ही रहेंगे। एक अपरिचित आपको चित्तौड़ के दुर्ग में मिलता है और आपके साथ बिजोली आने के लिए तुरंत आतुर हो जाता है, जैसे उसको अपने जीवन का कोई महत्व नहीं। और अपने राजा द्वारा घोषित राजद्रोही का साथ देते देते वो बिचौलिया तक आ जाता है, और आप उस पर विश्वास करना चाहते हैं? क्या वो राणा उदय सिंह का गुप्तचर नहीं हो सकता? आपको इतनी साधारण बात समझ में नहीं आ रही है पत्ता, कि वो आपका प्रयोग कर रहा है बिचौलिया में प्रवेश करने के लिए। हम नहीं जानते कि इस समय राणा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, परंतु ये घटना, ये अश्व वाले का यहां तक आना, ये सब हमें एक बहुत बड़ी योजना का अंग लग रही है। हमने तो ये सोचा ही नहीं, किंतु जीजा, पता नहीं क्यों वो हमें गुप्तचर तो नहीं लग रहे थे, परंतु जिस तरह उन्होंने आपके साथ युद्ध किया तलवार के साथ, वो हमें कोई मामूली अश्व वाला भी नहीं लग रहा था। ये सब हमने क्यों नहीं सोचा? क्योंकि आप हमेशा अपने सामर्थ्य और क्षमताओं के प्रदर्शनों में लगे रहते हैं। उस अश्वपाल को अभी लाकर आपके सामने खड़ा करते हैं, अर्थात उस गुप्तचर को। पता, आप चिंता मत कीजिए, हमने उसे उसके मित्र के साथ जाल में फंसाकर बिचौलिया के बाहर लटका दिया है। अब वो बिचौलिया में कभी प्रवेश नहीं करेगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.